चंडीगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर सेक्टर 26 स्थित चंडीगढ़ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज में रखा गया है। यहां पर बनाए गए स्ट्रांग रूम को कैमरे की निगरानी से सील किया गया है। अब 4 तारीख को काउंटिंग से पहले इसे खोला जाएगा। चंडीगढ़ के DC और रिटर्निंग अफसर विनय प्रताप सिंह ने बताया कि लगभग 2 बजे तक चंडीगढ़ में नतीजे साफ हो जाएंगे। कल जब यहां पर मतगणना की जाएगी उस समय 3 लेयर सुरक्षा रहेगी। CRPF के साथ साथ चंडीगढ़ पुलिस के जवान मुस्तैदी से तैनात रहेंगे। पुलिस के 900 जवान काउंटिंग के दौरान यहां पर तैनात रहेंगे। चंडीगढ़ के DC विनय प्रताप सिंह ने कल मंगलवार के लिए इस इलाके में धारा 147 लगाते हुए लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी है। 100 मीटर के दायरे में 9 व्हीकल जोन बनाया गया है। केवल ऑथराइज व्यक्ति ही काउंटिंग स्थल तक जा सकेंगे। सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी।